बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग जो थे वो एग्जाम्पल 8 तक हम लोग कर चुके थे। आगे हम लोग चलते हैं जी, एग्जाम्पल 9 देखते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है इसको मज़ीद स्ट्रिंग की लेंथ जो है उसको चेक करने के लिए हम लोग जो है फंक्शन अपने यूज़ करते हैं, जो हम लोगों ने पहले से डिस्कस भी किए थे। हम लोगों ने सी स्ट्रिंग की जो लाइब्रेरी है उसको डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है जी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अब आगे अगर हम लोग चलें मज़ीद इसको देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया जी, एक करेक्टर टाइप की यहाँ पे हम लोगों ने एरे डिक्लेयर करवाई, यानी कि स्ट्रिंग है, ठीक है जी, और स्ट्रिंग वन नाम दे दिया, और उसके अंदर हम लोगों ने ए बी सी डी ये एक स्ट्रिंग पास कर दी है, ठीक है। लास्ट पे आपको पता है ये बैक स्लैश जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है जी। देन हम लोगों ने ये किया कि एक स्ट्रिंग टू, ठीक है जी, जिसका हम लोगों ने साइज रखा 10, और उसमें हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो क्या कर दिया जी, पास कर दिया, ठीक है जी। देन हम लोगों ने अगली स्टेटमेंट में ये किया कि हम लोगों ने सी आउट कर दिया जी स्ट्रिंग वन, और उसके अंदर हम लोगों ने कह दिया कि जी स्ट्रिंग वन इसको जी आउटपुट करवा दें, ठीक है जी। आउटपुट के अंदर देखिएगा तो ये चीज़ हमारे पास आएगी, और वो स्ट्रिंग वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे जी, ए बी सी डी, यानी ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन हम लोगों ने कहा सी आउट स्ट्रिंग टू, ठीक है जी, और इसके अंदर हम लोगों ने इक्वल रख दिया इसको स्ट्रिंग टू, और यहाँ पे ये प्रिंट होगा, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग टू जो वैल्यू है यानी 1 से लेके 9 तक ये प्रिंट हो जाएगी। देन हम लोगों ने ये किया स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है जी, ये बच्चों क्या करेगा, स्ट्रिंग वन के अंदर आप लोग स्ट्रिंग टू को पास कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपने देखा होगा पीछे हम लोगों ने एक फंक्शन यूज़ किया था एस टी आर सी पी वाई, ये वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप लेंथ साथ बताएं उसको, ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपको ज़रूरत है, ठीक है जी। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट है जो हम लोगों ने उसकी लेंथ बेसिकली पास कर रहे हैं, एस टी आर एल ई एन, ये एक बेसिकली हमारे पास फंक्शन है जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है, जो भी इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है तो वो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होती है। और किस स्ट्रिंग की हम करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग वन की, और स्ट्रिंग टू के अंदर, सॉरी, स्ट्रिंग वन के अंदर स्ट्रिंग टू जो है वो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। देन हम आगे मजीद इसको देखते हैं तो सी आउट, ठीक है जी, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जी हम लोगों ने ये कह दिया कि जी आफ्टर कॉपिंग, तो यहाँ पे हमारे पास आफ्टर कॉपिंग स्ट्रिंग वन ये एज इट इज प्रिंट होगा, और देन हमारे पास स्ट्रिंग वन की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, जो आपके सामने इस वक्त आपको विजिबल ही है, ठीक है जी। देन आप लोग देख सकते हैं कि जी हमारे पास इसको मजीद अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंटिंग हुई है, ठीक है जी, इस जगह पे ये हमारे पास प्रिंटिंग हो चुकी है आफ्टर कॉपिंग स्ट्रिंग, ठीक है जी। अच्छा जी, अगली हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगली एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है जी, एग्जाम्पल 10 के अंदर स्ट्रिंग लेंथ चेक फंक्शन अगेन, ठीक है जी, सी स्ट्रिंग के हम लोग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी ऐड करवा ली है। हो क्या रहा है जी, हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया है वॉइड स्ट्रिंग कॉपी के नाम से, ठीक है, ये हम लोग बेसिकली प्रोटोटाइप बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, करेक्टर टाइप का टारगेट, ये हम बेसिकली खुद फंक्शन बना रहे हैं। देन हम लोग क्या कर रहे हैं जी, एक कांस्टेंट टाइप का करेक्टर सोर्स, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया सोर्स का। देन हम लोगों ने कह दिया कि एक टारगेट साइज होगा, ठीक है जी। स्ट्रिंग कॉपी हम लोग बेसिकली एस टी आर एन, जो पीछे हम लोगों ने फंक्शन देखा है ये वाला एस टी आर एन सी पी वाई जी, जो कि बिल्ड इन फंक्शन है, उस तरह का फंक्शन हम लोग अपना बनाने जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक टारगेट है, एक सोर्स है, देन हमारे पास टारगेट साइज है, ठीक है जी, ये फंक्शन की हम लोगों ने प्रोटोटाइप बना दी है। हम आगे मेन फंक्शन में आते हैं जो कि ड्राइवर फंक्शन भी कहलाता है। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास एक करेक्टर टाइप की जो है हम लोगों ने एरे बनाई शॉर्ट स्ट्रिंग नाम से, और इसके अंदर इसका साइज 11 रखा। एक लॉन्ग स्ट्रिंग हम लोगों ने बनाई, उसका नाम हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रिंग रखा, और करेक्टर टाइप के उसके अंदर हम लोगों ने भी साइज नहीं दिया, और उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू रख दी दिस इज रेदर लॉन्ग। फिर हम लोगों ने सी आउट किया लॉन्ग स्ट्रिंग को, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग एंड्स हेयर, कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है। फिर हम लोगों ने ये किया कि स्ट्रिंग कॉपी, ये वो फंक्शन है जो कि हम लोगों ने जिसकी प्रोटोटाइप बनाई है, अभी इसको डिफाइन नहीं किया, शॉर्ट स्ट्रिंग, ठीक
ठीक है जी, यानी शॉर्ट स्ट्रिंग हमारी बेसिकली ये है, ठीक है, ये इसके अंदर पास होगी। देन हमारे पास एक हेलो का कीवर्ड पास होगा, ठीक है जी, तो सॉरी हेलो कीवर्ड कीवर्ड नहीं है, सॉरी ये हेलो की स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि हम लोग पास कर रहे हैं इसके अंदर एज एन आर्गूमेंट, और इसके अंदर हम साथ उसको बता रहे हैं टेन साइज जो है वो उसको बता रहे हैं। सी आउट शॉर्ट स्ट्रिंग, ठीक है जी, स्ट्रिंग एंड्स हियर, अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं शॉर्ट स्ट्रिंग और इधर लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है, टेन। ये होगा क्या, जैसे ही आप लोग स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये देखें इसकी डेफिनेशन, ठीक है जी, स्ट्रिंग कॉपी की, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, करेक्टर टारगेट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट करेक्टर सोर्स और इंट टारगेट साइज। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कोई ना कोई इंडेक्स है, ठीक है जी, हम लोगों ने खुद ये बनाया है, और न्यू लेंथ इक्वल्स टू एस टी आर एल ई एन सोर्स, यानी जो भी यहाँ पे हमारे पास सोर्स की जो हमारे पास इधर आई है जो स्ट्रिंग, वो यहाँ पे आएगी, उसका जो साइज है वो कैलकुलेट किया जाएगा और वो साइन कर दिया जाएगा न्यू लेंथ को, ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ पे साइज हमारा आ रहा है। देन हम क्या कह रहे हैं, इफ अगर ये जो न्यू लेंथ में वैल्यू आई है, मिसाल के तौर पे बच्चों हम लोग कंसिडर करते हैं, इसके लिए हम लोग चला रहे हैं ना, इसके लिए चला रहे हैं, ठीक है जी, तो शॉर्ट स्ट्रिंग, ठीक है जी, जिसमें अभी हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, और हमारे पास इधर हेलो है, ठीक है जी, तो इधर हमारे पास टेन है, तो अगर इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या है जी, हेलो, ओके, सोर्स के अंदर हेलो आएगा, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, ये एम्प्टी है, और यहाँ पे साइज आया जी हमारे पास टेन, यही आया ना, हाँ जी टेन ही आया। अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने सोर्स की जो लेंथ है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की, एस टी आर एल ई एन आपको पता है बैक स्लैश जीरो को स्किप करता है, तो इसका साइज कितना आएगा, पाँच, तो पाँच हमारे पास आ जाएगा इसमें लेंथ के अंदर न्यू लेंथ। अब क्या चेक किया जा रहा है, इफ न्यू लेंथ जो नई लेंथ है इज लेस देन टारगेट साइज, टारगेट साइज कितना है टेन, तो टेन से तो ग्रेटर नहीं है ये, इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स है, ठीक है जी, तो अगर तो ये ट्रू होती तो फिर ये इंस्ट्रक्शन चलती कि न्यू लेंथ इक्वल टारगेट साइज, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए हम तो नीचे जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, लूप लगाने लगे हैं, इंडेक्स इज लेस देन न्यू लेंथ, यानी कि न्यू लेंथ कितनी है हमारे पास, फाइव, कहता है फाइव से कम तक इसको चलाओ और इंडेक्स में प्लस प्लस करते जाओ। टारगेट, टारगेट से क्या मुराद है, यहाँ पे टारगेट बेसिकली एरे है, ठीक है जी, जो यहाँ पे आपको मिली है, ठीक है जी, टारगेट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी कहा ये जा रहा है कि जो हमारे पास टारगेट आया है, जो कि हम लोग जो जिसमें वैल्यू रखना चाह रहे हैं टारगेट, ठीक है जी, इसके जीरो इंडेक्स पे क्या करो, जीरो इंडेक्स पे सोर्स का जीरो इंडेक्स रख दो, यानी इंडेक्स की वैल्यू तो जीरो है, तो इसको रखो इक्वल टू सोर्स का जीरो, सोर्स जीरो। अब ये क्या करेगा बच्चों, सोर्स का जीरो क्या है, सोर्स का जीरो है एच, ठीक है, ये सोर्स है, सोर्स का जब बॉक्स बने बना है यहाँ पे एरे बनी है जिसका साइज है पांच, ये सोर्स है, एक दो तीन चार पांच और ये लास्ट पे, अच्छा यहाँ पे एच है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बैक स्लैश जीरो, जरा समझिएगा बात को, ये जीरो इंडेक्स है बच्चों, ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, ये थ्री इंडेक्स है, ये फोर इंडेक्स है, ये फाइव इंडेक्स है, ठीक है जी, और एक हमारे पास है टारगेट इंडेक्स, ठीक है जी, टारगेट हमारे पास उसका साइज कोई भी नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग क्योंकि उसको चला रहे हैं लूप को कितनी दफा, पांच टाइम, यानी एक दफा जीरो टाइम, फिर वन टाइम, फिर टू टाइम, यानी इस इंडेक्स के हिसाब से हर दफा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम इसको भी बेसिकली उतनी दफा ही चलाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि साइज फिक्स नहीं है, ये साइज इसका आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखें जी, कहा ये जा रहा है कि जो टारगेट है ना, ये टारगेट, टारगेट का इंडेक्स जीरो, यानी ये जीरो इंडेक्स है इसका, इस वक्त ये वन इंडेक्स, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, अच्छा कहा क्या जा रहा है, टारगेट का जीरो इंडेक्स, अच्छा टारगेट का जीरो इंडेक्स ये है, वो किसके इक्वल है, सोर्स का, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ठीक है जी, सोर्स का जीरो इंडेक्स, यानी इसमें आ जाएगा एच,
देन हमारा अगेन लूप चलेगा, अगली आइट्रेशन के लिए चलेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पे ई आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर ओ आएगा। तो इसने जो है ये 4 दफ़ा लूप चला के हर दफ़ा इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो रहा था, अगली दफ़ा इंडेक्स 1 होना था, तो इंडेक्स 1 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जानी थी, फिर इंडेक्स 2 के लिए वैल्यू इक्वल आनी थी तो एल एल आ जाना था, देन आपने जब इंडेक्स 3 होना था तो अगेन एल वाला आ जाना था, यहाँ पे कॉपी हो जाना था, फिर आपने जब ओ करना था यानी कि 4 होना था यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है जी, यहाँ पे भी 4 हो जाना था, तो ये हमारे पास 4 वाला भी इंडेक्स आपस में हो जाना था, आपस में इक्वल। और आपको पता है अगली आइट्रेशन नहीं चलनी क्योंकि अगली में आइट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाता है 5 के। देन लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्लस इंक्रीमेंट तो हो चुका हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, इंडेक्स क्या होगा, अगला अगला इंडेक्स है 5, तो 5 वाले इंडेक्स में हमने रख दिया \0। ये जी अब ये देखें, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कॉपी हो चुकी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो काम करता है इनसाइड। तो आगे चलते हैं जी, हम मजीद इसको देखते हैं। ये हमारे पास आउटपुट इस फंक्शन की आएगी, ये जो पीछे हम लोगों ने अभी की है, ठीक है जी। आगे स्ट्रिंग का कंपैरिजन अगर बच्चों आप लोगों ने करना है कि यानी आप लोगों ने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है, तो उसका तरीका कार क्या है, उसका तरीका कार ये है कि बच्चों यहाँ पे आप देखें कि एक फंक्शन है strcmp कंपेयर, यहाँ पे आपके पास एक पहली स्ट्रिंग होगी और दूसरी स्ट्रिंग होगी, अब आप इसको आपस में कंपेयर करेंगे। अब होगा क्या, अगर तो स्ट्रिंग जो है वो यानी कि s1 जो है वो लेस है s2 से, तो आप कहेंगे जो रिजल्ट है वो <0 है, यानी कि वो -1 हो सकता है, ठीक है जी। और अगर स्ट्रिंग जो है वो आप यानी string1 इक्वल है string2 से, तो आप इसको कहोगे कहोगे कि ये इक्वल टू किसके है, 0 के, ठीक है जी। और अगर आपके पास string1 ग्रेटर है string2 से, तो रिजल्ट विल बी ग्रेटर, यानी डिपेंड कर रहा है आपका रिजल्ट, रिजल्ट आपका डिपेंड करेगा string1 पे। अगर string1 ग्रेटर है तो रिजल्ट आपका <0 होगा, अगर string1 लेसर है तो जो रिजल्ट है वो आपका <0 होगा। तो इसी बात को आगे मजीद समझते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिमिट का भी एक हमारे पास ये है कि आप लोग इसको भी ऑप्शनली यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। strncmp है, तो ये चाहे आप लोग इस फंक्शन को यूज कर लें या इस फंक्शन को यूज कर लें, यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो तीसरा पैरामीटर है वो लिमिट है, ठीक है जी, कि कितने आप लोगों ने करेक्टर कंपेयर करने हैं, आपने पहले 5 करने हैं, 6 करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, ये आपकी मर्जी है। ऊपर वाला फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट सभी को कंपेयर करेगा ना, तो लेकिन ये नीचे वाला जो है ये इसकी एक लिमिट है। अब यहाँ पे देखें तो बच्चों जो हमारे पास इसकी मजीद इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी मिनिमाइज इट, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने एक फंक्शन है जी, ठीक है जी, comp102 strncmp, ये बेसिकली आपको कंपैरिजन का फंक्शन बनाया जा रहा है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है जी, उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन हम लोग इसके खुद फंक्शन बना रहे हैं कि किस तरीके से काम करते होंगे, हम लोग ये खुद इसको बना रहे हैं, ठीक है जी। आप लोग तो सिंपली इसको कॉल करेंगे और इसको यूज करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे string1 आ गई, यहाँ पे string2 आ गई, यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट कह दी। अब ये होगा क्या कि हम लोग लूप चलाएंगे कब तक, 0 से शुरू करेंगे और लिमिट तक चलाएंगे, ठीक है जी। हमने सिर्फ क्योंकि कंपैरिजन करना है लिमिट तक, हम लोग चाहते हैं कि 5 तक करना है तो 5 तक का लिए लूप चलाएंगे हम लोग लिमिट, ठीक है जी। और आई के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, देखें गौर से समझिएगा। इफ S1 का इंडेक्स जो भी है फिलहाल पहली इटरेशन के लिए आई की जगह पे 0 होगा, और string2 का इंडेक्स यहाँ पे 0, जो अगर फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई, ठीक है जी, और इधर है \0, यहाँ पे है, ठीक है जी, ही, यहाँ पे \0, इसको मैं नाम दे देता हूँ S1, इसको मैं नाम दे देता हूँ S2, ये इंडेक्स है 0, ये है 1, ये है 2 इंडेक्स, ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, बच्चों ये है 2 इंडेक्स, जरा समझिएगा। पहली दफा जब लूप चला तो S1 का 0 इंडेक्स, S1 का 0 इंडेक्स यानी इसकी बात हो रही है, अगर लेसर है
एस टू के इंडेक्स जीरो से, तो माइनस वन करो, कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि ये लेसर नहीं है, इक्वल है। लेसर कब होता है बच्चों, लेट सपोज अगर ए है ना, ए ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास बी है, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, वैसे ही आगे आपके पास ये चार्ट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आपको पता है यहाँ पे देखें तो जो सी है वो इज़ लेस देन है आई से, ठीक है जी, इज़ लेस देन क्या है आई से, क्योंकि आपको पता है सी जो है वो पहले आता है, आई बाद में आता है, तो जो बाद में आने वाले करेक्टर्स हैं उसको हम लोग ग्रेटर वाला कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है ये एच और एच क्योंकि सेम है तो इसके लिए तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अगली कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, अगली कंडीशन ये कहती है कि अगर एस वन ग्रेटर है एस टू से, वो भी नहीं है क्योंकि एच और एच आपस में इक्वल है, इसका मतलब है ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो अगली कंडीशन फिर क्या है कि हम लोग दोबारा वापस ऊपर जाएं यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है अभी हम इस इधर नहीं आएंगे, इधर तो अभी आएंगे नहीं ना, अभी तो हम आइट्रेशन अपनी पूरी करेंगे। अब हम इंडेक्स आपका हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो आपका इंडेक्स हो जाएगा टू, सॉरी वन, वन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन है। अच्छा अब क्या होगा, अगेन हम लोग चेक करेंगे कि क्या पहला इंडेक्स इक्वल है कि नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे आई और ई है, तो ए बी सी डी ई पहले आता है, ठीक है जी, और आई हमारे पास बाद में आता है, इसका मतलब ये हुआ आई जो है वो ग्रेटर है, ठीक है जी। यानी कि जो एस वन का वन इंडेक्स है, एस वन का वन इंडेक्स जो है वो ग्रेटर है एस टू के वन इंडेक्स से, ठीक है जी। ये कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है, देखें जरा, ये कंडीशन ये तो फॉल्स ही है अभी, क्योंकि एस वन जो है वो लेसर नहीं है, ग्रेटर है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। और जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो वन रिजल्ट आ रहा है, रिटर्न वन किया जा रहा है, और जब रिटर्न वन किया जा रहा है तो बच्चों इसको आप लोग कंसिडर क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग आपस में इक्वल नहीं है। और अगर बच्चों यहाँ पे आई होता, अगर आई होता, हम मिसाल के तौर पर अब अगला सिनेरियो देखते हैं, अगर आई होता तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होनी थी, और लिमिट जो थी अगेन आगे जाना था, इसने फिर चेक करना था, तो बैक स्लैश जीरो दोनों जगह पे मिलना था, अगेन ये कंडीशन दोनों फॉल्स हो जानी थी, तो लूप तो चल चुके होने थे, फिर हमारे पास लास्ट पे आना था रिटर्न जीरो, और जब रिटर्न जीरो हो रहा है तो हमें पता है कि जो आंसर है वो, ओ सॉरी, दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि अगर एस वन लेसर देन टू है तो कह दें कि आप लोग माइनस में आंसर दे दें, ठीक है, अगर ग्रेटर है तो आप प्लस वन में दे दें, नहीं तो फिर आप जीरो में दे दें, तो यही काम हम लोगों ने इस फंक्शन में किया है। अब यहाँ पे देखें इसकी मजीद, इसको इन डिटेल अगर समझना चाहते हैं आप लोग चीज़ों को, तो ये देखें ए ए के इक्वल, बी बी के इक्वल, सी सी के इक्वल, ये खाली स्पेस इसके इक्वल, सी सी के इक्वल, ओ के इक्वल, एम के इक्वल, यानी गर्ज ये कि ये सारा सारा आपस में इक्वल है, तो हम कहते हैं एस वन एस टू के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे देखें ए ए के इक्वल, बी बी के इक्वल, सी सी के इक्वल, स्पेस स्पेस के इक्वल, लेकिन सी इज नॉट इक्वल टू आई, बट सी इज लेस देन आई, क्योंकि आई बाद में आता है, ठीक है जी, और सी पहले आता है, तो बाद में आना वाला करेक्टर जो है वो ग्रेटर समझा जाता है, इसलिए यहाँ पे आई जो है वो ग्रेटर कंसिडर होगा, ठीक है जी। एस वन को लेस समझा जाएगा एस टू से। ऐसे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए ए के इक्वल है, बी बी के, सी सी के, स्पेस स्पेस के, सी सी के, ओ ओ के, लेकिन यहाँ पे देखिए बैक स्लैश जीरो एंड दिस इज एम, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है एम को, यानी कि इस स्ट्रिंग को ग्रेटर समझा जाएगा एस टू को, ठीक है जी, क्योंकि अभी आगे मजीद करेक्टर है। यहाँ पे भी अगर आप लोग बच्चों देखें, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे एम आ गया, ठीक है जी, तो यहाँ पे एस वन ग्रेटर एस टू, यानी कि आर ग्रेटर है एम से, तो क्योंकि आर आपको पता है बाद में आता है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो यहाँ पे भी जो है आप लोगों का स्टॉप हो जाएगा एस टू पे। यहाँ पे मजीद इसके कंपैरिजन की एग्जांपल है, स्ट्रिंग के कंपैरिजन की, कि अगर आपके पास यहाँ पे टेट्रा ए है, यानी टेट्रा ए से मुराद फोर एज हैं, और यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग टू ए बी सी डी है, तो यहाँ पे हमारा कंसिडर होगा कि जो बी है वो ग्रेटर देन है ए से, इसलिए आंसर जो है वो हमारे पास, क्योंकि ए लेस देन है बी से, ठीक है जी, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग वन की बेस के ऊपर रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर स्ट्रिंग वन जो है वो लेसर होगा तो आंसर रिजल्ट लेसर देन जीरो होगा। लेट मी
रिवाइज अगेन, ये देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी कि अगर एस वन लेस है तो रिजल्ट भी लेस देन जीरो है, अगर एस वन ग्रेटर है तो रिजल्ट भी ग्रेटर देन जीरो है। अब इस बात को इधर समझ तो वही इधर आ जाए, अगर हमारे पास ए जो है वो लेस है तो रिजल्ट भी लेस है, ठीक है जी। देन यहाँ पे भी देखें तो सेम हमारे पास चीज़ है, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें स्ट्रिंग वन जो है उसको ग्रेटर समझा जा रहा है, तो जब स्ट्रिंग वन ग्रेटर है तो इसका मतलब है आंसर हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो जीरो से बड़ी होगी, यानी कि प्लस वन आप कंसिडर करवा लें। ऐसे 127 है, ठीक है, इसको भी अगेन आप लोग देखें तो आप लोगों के जो है वो लेसर का जो है वो आएगा रिजल्ट, ठीक है, माइनस में आएगा। देन आप लोग देखें अगली स्ट्रिंग वैसे इक्वल है तो इक्वल टू जीरो आएगा, सेम इज द केस फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स। तो ये आपके बच्चों एग्जाम्पल 11 थी जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग के कंपैरिजन के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी। अब ये देखें जी कुछ एरर्स हैं जो कि हम लोग स्ट्रिंग के काम करते वक्त हम लोग कर जाते हैं। इट इज़ इलीगल टू असाइन ए वैल्यू टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल एक्सेप्टेड डिक्लेरेशन, यानी आप लोग इस तरीके से करेंगे ना तो ये इलीगल स्टेटमेंट कंसिडर होगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो आप लोग उसको डिक्लेरेशन के दौरान करें, ठीक है, या फिर अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो strcpy हम लोगों ने पीछे फंक्शन पढ़ा है, इसमें आप लोग इधर सोर्स सॉरी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और इधर सोर्स स्ट्रिंग लिखते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट फॉर्म। आगे चलते हैं जी, मजीद एरर्स इसके देखते हैं एग्जाम्पल 12 के अंदर ही। तो जो ऑपरेटर डबल इक्वल है इसको आप लोग टू स्ट्रिंग की क्वालिटी को चेक करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, यानी आप इसको दो स्ट्रिंग्स को चेक कर इस तरीके से नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं चेक कर सकते इफ स्ट्रिंग वन डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग टू, दिस इज रॉन्ग, ठीक है जी, दिस इज टोटली रॉन्ग, इलीगल कंपेरिजन है। बल्कि आप यूज़ क्या करें, आप स्ट्रिंग कंपेयर को यूज़ करें, ठीक है जी। ये फंक्शन है बच्चों, ये मैं आपको अगेन बताता चलूं, आपके पास ये बिल्ट इन फंक्शन है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो पीछे हम लोगों ने कंपैरिजन का फंक्शन समझा है, ये पीछे ये सारे के सारे फंक्शंस ऑलरेडी बने पड़े हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसको यूज करना है, ठीक है जी। ये बेसिकली उस फंक्शन की वर्किंग को अपने तौर पे बना के आपको दिखाया गया है कि ये वो फंक्शन इस तरीके से इनसाइड काम करता है। हमने वैसे जस्ट इसको कॉल करना है, लाइब्रेरी ऐड करो, strcmp को यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है वो आइदर इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नॉट जीरो, ठीक है जी। जीरो नहीं है तो फिर हो सकता है वो वन हो या माइनस वन हो, तो वन या माइनस वन की सूरत में वो सेम नहीं है, और अगर वो जीरो है तो इसका मतलब है यस दे आर सेम। तो यहाँ पे ये देखें वही चीज़ है कि अगर जीरो रिटर्न हो रहा है, नॉट जीरो, नॉट जीरो का मतलब क्या है कि जीरो रिटर्न हो रहा है अगर, ठीक है, जीरो रिटर्न हमारे पास हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यस दे आर सेम, ठीक है जी। नोट दैट ये बिल्कुल वही है कि रिटर्न जीरो करेगा, फॉल्स फॉल्स जब होगा, ठीक है जी। यानी जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स इफ द टू स्ट्रिंग्स आर सेम, अगर दो स्ट्रिंग सेम है, और पीछे हम लोगों ने इसकी वर्किंग डिटेल में डिस्कस की है। सो क्लास दिस इज एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है जी। इसकी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह कोशिश की है इसको समझ सकें, इसके मुतलका बच्चों एक्सरसाइज इसकी करें, इसके मुतलका प्रैक्टिस आप लोग करें, ठीक है जी। जितना इसको मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं, इवन जो असाइनमेंट है उसको भी खोलें दोबारा, उसके अंदर चीज़ें देखें कहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन का, कहाँ पे आप लोग जो हैं दूसरी चीज़ें कर सकते हैं उसको मेक श्योर करें। तो इंशाल्लाह हम अगले सेशन में जो है वो दोबारा मिलते हैं।